छतरपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान दोस्तों में आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद तीन लोगों ने मिलकर एक की हत्या कर दी। छतरपुर में चंदला थाने के पांडे पुरवा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक के तीन दोस्तों पर लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंगल पटेल के घर चार दोस्तों ने शराब पार्टी रखी थी। इस पार्टी में रामस्वरूप पटेल भी शामिल हुआ था। शराब पीने के दौरान पानी मांगने को लेकर दोस्तों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मनफू पटेल ने अपने दोनों दोस्तों की मदद से रामस्वरूप को कट्टे से गोली मार दी। गोली लगने की खबर लगते ही रामस्वरूप के परिजन रामस्वरूप को घायल अवस्था में लवकुशनगर स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां इलाज के दौरान रामस्वरूप की मौत हो गई। पुलिस ने मनफू पटेल सहित दो दोस्तों पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सब खाने पीने में गाली गलौज का विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जब हम गए तो वहाँ हमें तीनों लोग मिले तो जब हम वहाँ खड़े थे तो उसके लड़का की तरफ गया, जब वो दूसरा उसका लड़का भाई ने गोली मार दी रमेश के लड़के ने, मनफू रामस्वरूप दो लैब कर रहे थे कि गाली दे रहा है मार दो खाली। पांडेपुरवा में रात करीब 11:30 बजे की घटना है। दो पटेल लोग की आपस में ये खाने पीने की पार्टी हुई थी मंगल पटेल के घर। वहाँ पर मृतक रामस्वरूप पटेल भी गया था। वहीं पर गांव के रज्जू पटेल, रमेश पटेल और मनफूल पटेल आए थे। खाने पीने की किसी बात को लेकर इनका आपस में विवाद हो गया, गाली गुप्ता तक हो गया तो, और इसी ताम में आकर मनफूल पटेल ने रामस्वरूप पटेल को गोली मार दी, जो उनके सीने में लगी थी। उनको घायल अवस्था में तत्काल उपचार के लिए डायल 100 की मदद से लवकुशनगर अस्पताल आए थे। मौके पर PI साहब के निर्देशन में वैधानिक कार्रवाई हेतु हम भी तत्काल लवकुशनगर अस्पताल आ गए थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।